हाउ टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, ठीक है, और आपके दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट की बात करेंगे, इसके बाद थ्री वेक्टर्स का भी प्रोडक्ट हम लोग स्टडी करेंगे। दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट में बच्चों आपको पढ़ना है कि अगर हम दो वेक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि उनका जो आउटपुट है, रिजल्ट है, वो एक स्केलर क्वांटिटी, तो उसको क्या बोलते हो आप? स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट बोलते हो। तो पहला है डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फिजिक्स में पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट्स भी बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। इसको इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इनर प्रोडक्ट, नहीं बस डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो अब इन दोनों वेक्टर्स का, दो वेक्टर्स आपको दिए जाएंगे, इनका स्केलर प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करना है। देखो बच्चों, एक वेक्टर है आपका ये ए वेक्टर, इसका ये डायरेक्शन है और इसका लेंथ क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड, ओके। और एक वेक्टर है हमारा ये बी वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन ये है और इसका लेंथ जो है इसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। अब बच्चों इनकी डायरेक्शंस के बीच का एंगल हमें पता है, इनके डायरेक्शंस के भी ध्यान देना, एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ द वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शंस के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय दिस नोटेशन, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी इज अ स्केलर क्वांटिटी और इसका जो आउटपुट आएगा दैट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा। ए डॉट बी इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। हां यस सर, आपने बताया था वेक्टर का नहीं बेटा, थीटा अगर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है, अगर मान लो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपका पी और पी वेक्टर है, इनकी डायरेक्शन के बीच का एंगल थीटा है, तो इनका जो रिजल्ट होता है वो होता है 2 पी cos थीटा / थीटा, पूरा डिराइव करवा के बताया था ना, नहीं तुम ऐसी चीज दिखाना ना, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो एंगल 2 थीटा होगा, यहाँ थीटा लिख दिया होगा, तुम दिखाना ना, ठीक है, ओके। तो अब बच्चों यहां पर आपको बता दिया गया है कि दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी और उनकी डायरेक्शंस के बीच का अगर एंगल थीटा है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है? ए डॉट बी से रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इस बात से आप लोग बताओगे कि अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप पता करवाता हूं, आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। I cap is the unit vector in the positive direction of x-axis. तो I cap dot I cap बताओ according to this formula. Magnitude of I cap into magnitude of I cap into cos zero. I cap और I cap के बीच का angle कितना होता है? Zero. तो ये क्या होता है? One cos zero b one तो आ गया one. तो आपको पता चल गया I cap dot I cap कितना होता है? One. ठीक बात है? Similarly, आप अगर पता करोगे J cap dot J cap तो कितना आएगा? One. K cap dot K cap क्या आएगा? One. अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, जैसे I cap dot J cap कोई पूछेगा, तो magnitude of I cap into magnitude of J cap into I cap और J cap के बीच का एंगल कितना होता है? 90 degree. I cap x axis की डायरेक्शन में है और J cap आपका y axis की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, cos 90, और cos 90 कितना होता है? जीरो, ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। ठीक बात है भाई? अच्छा, अब एक और बात देखो, बताओ अगर आपसे कोई कहता है कि एक वेक्टर है ए, ए वन आई का प्लस ए टू जे का प्लस ए थ्री के का, ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। एक वेक्टर है बी, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप,
ये दो वेक्टर्स आपके दिए गए हैं बच्चों, ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे इस तरह से दिए गए हैं। ए वेक्टर हमारा ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, बी वेक्टर हमारा बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। अब आपको ए डॉट बी बताना है, अब आपको ए डॉट बी बताना है, और आपको अभी अभी कुछ रिजल्ट मैंने बताए हैं, अब आपको ए डॉट बी बताना है बच्चों। ए बी वेक्टर आई कैप और जे कैप और के कैप के टर्म्स में दिए, और अगर मुझे ए डॉट बी बताना है तो ए वेक्टर लिख लो भाई, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप डॉट बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। ये आपका जो है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मैंने लिख दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ए वन आई कैप का डॉट प्रोडक्ट इन सबके साथ होगा, तो a1i कैप डॉट b1i कैप, देखो ये एक रूल है, कांस्टेंट इनटू a वेक्टर डॉट अदर कांस्टेंट इनटू b वेक्टर को लिख सकते हो, लैम्डा और म्यू कांस्टेंट को पहले मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट a डॉट, मतलब लैम्डा a वेक्टर एक वेक्टर है और म्यू म्यू b वेक्टर एक वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, लैम्डा म्यू को मल्टीप्लाई करो एक साथ, कांस्टेंट को अलग से मल्टीप्लाई कर दो और a डॉट b। तो अगर मैं ए वन आई कैप का डॉट प्रोडक्ट करूंगा बी वन आई कैप के साथ, तो ए वन बी वन और आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा, वन, आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा, वन। तो कितना आ गया ये, ए वन बी वन प्लस ए वन आई कैप का डॉट प्रोडक्ट होगा बी टू जे कैप के साथ, आई कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे ही आई कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा, जीरो। सिर्फ इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट वाला रिजल्ट आया। सिमिलरली ए टू जे कैप का डॉट प्रोडक्ट इन तीनों के साथ, आई कैप के साथ जीरो हो जाएगा, जे कैप के साथ वन हो जाएगा और के कैप के साथ भी जीरो हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए टू बी टू प्लस ऐसे ही ए थ्री बी। अब इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे, कभी भी दो वेक्टर्स अगर आपको इस फॉर्मेट में दिए गए, ए और बी वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में अगर गिवन है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी वो क्या आएगा, ए वन बी वन मतलब आई कैप और आई कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो प्लस ए टू बी टू जे कैप और जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो प्लस के कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो। डन है भाई, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी टू, सॉरी ए थ्री बी थ्री, हाँ मैंने यहाँ पर ए वन बी वन बी टू बी थ्री नहीं लिया, बी थ्री है। ये रिजल्ट याद रखना है डायरेक्ट, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स अगर आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म्स में गिवन हो, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालने का ये फार्मूला है, ठीक है। कभी कभी बच्चों आपको दो वेक्टर्स दिए जाएंगे, अगर मान लो एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, दोनों के मैग्नीट्यूड गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज गिवन, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज गिवन, और एंगल पता है उन दोनों के बीच का, तो आप a डॉट b फार्मूला ये यूज करोगे, a डॉट b का फार्मूला यूज करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा। यहां से एक बात बताओ, अगर cos थीटा कोई पूछता है तो क्या आएगा, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक बात है भाई। एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, मैं अभी दे रहा हूं, बुक निकाल लो सब लोग, वेक्टर्स का 10.3 का आज का टारगेट रहेगा, 10.3 सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 10.3 में फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10.3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर वन, फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछा गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर पूछा गया, पेज नंबर 447, पेज नंबर 447 क्वेश्चन नंबर वन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी हुज मैग्नीट्यूड इज गिवन एज रूट थ्री एंड रूट टू, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज गिवन एज रूट थ्री, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज गिवन एज टू, और ए डॉट बी भी गिवन है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी दिया है रूट सिक्स, तो थीटा बताना था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों ये, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बताया गया है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये फॉर्मूला पता है, a डॉट b भी पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ b पता है, पुट द वैल्यूज यू विल गेट द आंसर, आ जाएगा बच्चों, हो गया भाई डन। कितना आएगा थीटा, कितना 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री कैसे आ जाएगा देखते हैं, cos थीटा आएगा, मैं a डॉट b कितना है √6
और ये है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए रूट थ्री है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है 2। तो रूट सिक्स को लिख दो रूट थ्री इंटू रूट टू और रूट थ्री इंटू टू ये कैंसिल आउट हो गया भाई, ये 1/√2 आ जाएगा। हाँ 45 ठीक है, 45 डिग्री करेक्ट है, ठीक है ना भाई। अच्छा सेकंड क्वेश्चन पर आओ, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर टू में इन्होंने मैग्नीट्यूड नहीं दिया ये वेक्टर का। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ए का मैग्नीट्यूड गिवन था, बी का मैग्नीट्यूड गिवन था और ए और बी का डॉट प्रोडक्ट भी गिवन था और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी पूछा था। यहां पर भी क्वेश्चन तो सेम है, क्वेश्चन तो सेम है बच्चों, देखो क्या पूछा। ए और बी दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच का एंगल ही बताना है और दिया क्या है, ए वेक्टर दिया है आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, भाई ए वेक्टर गिवन। बी वेक्टर क्या गिवन है, थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप। अगर मुझे इन दोनों के वेक्टर्स के बीच का एंगल चाहिए तो सेम प्रोसीजर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए पता करो पहले, आपको फार्मूला पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए का फार्मूला बताया गया। इशिता त्रिपाठी बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, अंडर रूट क्या, हाँ तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कैलकुलेट करो इसको क्या आएगा, 1 + 4 + 9 कितना आएगा, रूट 14 आ गया। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी पता करो, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ए और बी का मैग्नीट्यूड मिल गया, ए डॉट बी बताओ, ए डॉट बी बताओ, ए डॉट बी अभी तो पता करवाया था, ए डॉट बी कैसे पता करते हैं भाई, आई कैप और आई कैप के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 3 प्लस जे कैप और जे कैप के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस के कैप और के कैप का कोफिशिएंट कितना आया 10। हाँ बोलो बोलो क्या पूछ रहे हो, 60 डिग्री चेक करो आंसर आ सकता है, तो आप लोग देख लो कैलकुलेशन किसका है, आप आंसर चेक करो, सारे आंसर थोड़ा एनसीईआरटी में गलत मिलेंगे। cos इनवर्स 5/7 आया तो ये डबल डबल कैलकुलेशन एरर हो सकता है, क्यों अंश 5/7 5/7 कह रहे हैं भाई, चेक कर लो यार, मैंने तो सब कुछ निकाल रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ रूट ए रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी पता है, cos थीटा में फार्मूला में वैल्यूज रखो और अपना कैलकुलेशन चेक करो, मैं करेगा ये करेगा, यहाँ तक ठीक है ना तुम्हारा। अच्छा बताओ रूट मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, 9 + 4 + 1 ये भी रूट 14 आ गया, यार ये बताओ cos थीटा होता है a डॉट बी 10 है, a डॉट बी कितना आएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ ए है रूट 14 मैग्नीट्यूड ऑफ बी है रूट 14 तो क्या आएगा, cos थीटा आएगा 10/14 5/7 ही आएगा भाई, तो थीटा cos इनवर्स 5/7 ठीक है ओके। अब एक टॉपिक नेक्स्ट, ये तो समझ में आ गया, ये तो सिंपल से भी कैलकुलेशन सिखाए जा रहे हैं आपको कि भाई दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पता हो, उनका डॉट प्रोडक्ट पता हो तो उनके बीच का एंगल बताओ, कभी कभी डॉट प्रोडक्ट नहीं दिया रहेगा, आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म्स में वेक्टर्स दिए गए होंगे तो मैग्नीट्यूड पता कर लो, डॉट प्रोडक्ट भी पता कर लो, फिर थीटा पता कर लो। अब है नेक्स्ट टॉपिक जो बोर्ड में कई बार आया, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अदर, प्रोजेक्शन तो हेडिंग डालिए प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी भी कह सकते हैं, ऑन द वेक्टर बी कह सकते हैं, मीनिंग क्या है पहले इसका। आपने कहा भाई ये एक वेक्टर बी है हमारा, एक वेक्टर लिखिए, ए का प्रोजेक्शन बी पर बताना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जिसका प्रोजेक्शन बताना है उसके टर्मिनल पॉइंट से, उसके टर्मिनल पॉइंट से दूसरे जिस पर बताना है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो,
ए का प्रोजेक्शन बी पर बताना है तो ए के टर्मिनल पॉइंट से बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसकी यहां से ए से जो डिस्टेंस है ए एन, ए एन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए। बच्चों जो ए एन लेंथ है, लेंथ ए एन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ ए, शैडो नहीं आप लोग देखते हो शैडो आपकी जो करती है वही प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का बी पर शैडो जो है द लेंथ, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए एन, ए एन लेंथ ए एन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, गॉट इट। हमको तो जो वेक्टर्स है ना वो आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में दिए जाए और बोला जाएगा भाई ना इनके इनका मैग्नीट्यूड दिया रहेगा और बी का ना तो इनके बीच का एंगल दिया रहेगा, सिर्फ ए और बी वेक्टर दो आपके आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म्स में दिए जाएंगे लाइक दिस, ऐसे दिया रहेगा। ए वेक्टर ऐसे दिया है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप ऐसे दिया है और बी वेक्टर भी ऐसे सिमिलर दिया है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, ये तीन वेक्टर, दो वेक्टर हमारे आई कैप और जे कैप और के कैप के टर्म्स में दिए रहेंगे और पूछा जाएगा ए वेक्टर का बी वेक्टर का प्रोजेक्शन बताओ। तो देखो हमें लेंथ ए एन बतानी, यहाँ एक बार बताओ ये एंगल तो मुझे दिया नहीं है, मैंने कहा दिस इज थीटा, इसको मैंने थीटा लिखा। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए एन बी, ए एन बी ट्रायंगल में कोई कॉस थीटा बताएगा, कॉस थीटा होगा ए एन अपॉन ए बी, यहां से ए एन कितना आ गया ए बी कॉस थीटा और एक बार बताओ ए बी क्या है, ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी ए है, ए बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। अच्छा तो ये ए एन आ गया हमारा, ए एन इज इक्वल टू आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू कॉस थीटा, कॉस थीटा पता है क्या, अभी अभी तो बताया था दो वेक्टर्स के बीच का जो डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है दैट इज गिवन बाय द फार्मूला डॉट प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर्स ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो कैंसिल हो, तो क्या बच गया ये ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हमारा फार्मूला आ गया बच्चों, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये क्या है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये बच्चों क्या गया प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी इज गिवन एज ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दिस इज द फार्मूला, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी कम्स आउट टू बी, इसको पूरा नोट करो, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी कम्स आउट टू बी ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्लियर है भाई, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर, ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर, तो फिर ए का बी पर प्रोजेक्शन जीरो है। ए डॉट बी अगर जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब अगर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, तो ए का बी पर प्रोजेक्शन क्या होगा? जीरो होगा। प्रोजेक्शन इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक बात है भाई। तो आप अपनी बुक में देख सकते हो आपके क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर प्रोजेक्शन पर बेस्ड है। ए डॉट बी, देखो ए वेक्टर दिया गया, थर्ड क्वेश्चन प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप, ये ए वेक्टर हो गया, ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप वो बी वेक्टर हो गया, तो इसका मतलब ए का बी पर प्रोजेक्शन जीरो हो गया। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, फोर्थ भी आप ट्राई कर सकते हैं, अब बच्चों थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया जाए, हो जाएगा, मतलब वो तो हो जाना चाहिए, कैलकुलेशन करना है आपको। अब मैं आगे के पॉइंट बता रहा हूँ, आंसर हो गया यहाँ तक। अभी मैंने प्रोजेक्शन की बात की है बच्चों, ध्यान से सुनना,
मैं प्रोजेक्शन वेक्टर प्रोजेक्शन पूछूंगा, वेक्टर कंपोनेंट पूछूंगा। ये एक वेक्टर ए, ए पे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, n फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आपने कहा जो ओएन है, ओएन क्या आ गया हमारा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए डॉट बी कैप। बी कैप क्या होता है, बी बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और बी बी कैप होगा बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आप इस कॉम्प्लेक्स पाथ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी कैप का। ए का अगर प्रोजेक्शन बी वेक्टर की डायरेक्शन में पूछा गया है तो उसका रिजल्ट कैसे याद रखोगे, ए डॉट बी कैप। अच्छा अब बताओ, अभी तो मैंने ओ एन ए के स्केलर क्वांटिटी है, ये इसको आप प्रोजेक्शन बोलते हो। अब मैं पूछ रहा हूं प्रोजेक्शन वेक्टर, वेक्टर कंपोनेंट, ओ एन वेक्टर, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए, वेक्टर कंपोनेंट या कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, या वेक्टर प्रोजेक्शन पूछा जाए, कंपोनेंट पूछा जाए, वेक्टर प्रोजेक्शन पूछा जाए, तो ओ एन वेक्टर पूछा जाए तो क्या आएगा बच्चों। अब सुनो, किसी भी वेक्टर को पता करना है तो क्या करते हो आप, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन में यूनिट। किसी भी वेक्टर को पता करना है क्या प्रोसेस होता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन में यूनिट। अच्छा इनटू वहां पर डॉट डॉट कुछ नहीं लगेगा, जैसे टू आई कैप है ना, तो टू टाइम्स आई कैप बोलते हैं, यहाँ डॉट और क्रॉस कुछ नहीं लगता, टू आई कैप मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी ऑफ वेक्टर का, कुछ भी नहीं लगा, टू टाइम्स में आई कैप हो रहा है। अगर मुझे ओ एन वेक्टर चाहिए तो कैसे मिलेगा, ओ एन का मैग्नीट्यूड टाइम्स उसकी डायरेक्शन में यूनिट। तो अब बच्चों आपको अभी अभी तो इसका कंपोनेंट बताया ना, नहीं वो सॉरी स्केलर कंपोनेंट बताया, तो ओ एन वेक्टर क्या जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड ये टाइम्स उसकी डायरेक्शन में यूनिट। ये क्या है भाई, इसको लिख देते हैं अब क्या, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम बी क्या आपको लिखोगे, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा ओ एन वेक्टर आ गया ए डॉट बी ऑफ बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ये ओ एन वेक्टर है, पहले जो बात की गई थी ना ए डॉट बी क्या, वो ओ एन था सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंथ। अब ओ एन वेक्टर कितना मिल गया, a dot b of b vector upon magnitude of b का स्क्वायर, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट दिया है a dot b of b vector upon magnitude of b का होल स्क्वायर। डन, ये नहीं पूछा गया तुम्हारे बोर्ड में, नहीं हो गई। अब सुनो भाई एक और चीज पूछी जाएगी, अभी मैंने a का b की डायरेक्शन में कंपोनेंट पूछा, ये o n वेक्टर पूछा है, B की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट बताओ, NA वेक्टर बताओ। अब A का B की डायरेक्शन में कंपोनेंट मतलब ON वेक्टर, अब आप B की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट मतलब NA वेक्टर बताओ। तो ठीक है ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं, ट्रायंगल लॉ क्या होता है भाई, ट्रायंगल लॉ क्या होता है, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, मतलब A ON वेक्टर प्लस NA वेक्टर किसके इक्वल होगा, ON वेक्टर प्लस NA वेक्टर किसके इक्वल होगा, OA वेक्टर के इक्वल होगा। यहां से NA वेक्टर क्या आ जाएगा, OA वेक्टर माइनस ON वेक्टर, और OA वेक्टर कितना है, वेक्टर A, ON वेक्टर कितना है अभी पता किया, A डॉट B और B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर। ये क्या आ गया भाई, A का B की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट, A का B की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट, that is given by this formula a minus, दोनों के दोनों questions entrance में, engineering entrance में पूछे गए, vector component a का b की direction में और b की perpendicular direction में, ये आपका option हो जाएगा, ये result हो जाएगा, note कर लीजिए। मैं पढ़ना शुरू कर देना बेटा, भाई ऐसा है अगर इस month में आपने कुछ backlog create कर लिया, अगले month में फिर हो नहीं पाया, ये सब छूट जाए, तो आप जितना क्लास में हो रहा है उतना उसी सेम डे या नेक्स्ट डे जरूर कंप्लीट कर लिया करो। इशिता तुम्हारे पास जो है ना बहुत काम पड़ गए, ठीक है, तो पढ़ना तुम शुरू कब से करोगी,
हट जाके अब्बा कौन बनाता है ये ना मम्मी कुछ नहीं बोलती मम्मी तो कहती मेरी वीडियो बहुत पढ़ती चलो भाई एमन तुम तो टाइम से आओगे ना क्लास में भाई पिछली क्लास छूट गई है तुम जो है जरूर उसको बैकअप वो देख लेना एक बार फिर अपने डाउट पूछ लेना अभी बहुत ज्यादा नहीं कराया जब बेसिक हो जाएगा ना सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ जब बेसिक्स हो जाएंगे तब हम एप्लीकेशन में आएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करेंगे तब फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये सारे पॉइंट्स वहां यूज हो रहे हैं ठीक है रिवाइज करते रहो दिमाग पर जो है कोशिश करो सारे दिमाग में पॉइंट्स आ जाए बुक रेफर कॉपी जो है ना देखना ना पड़े अभी आपके दिमाग में रहता है ना इसको देख लेते हैं क्या लिखाया था पिछले क्लास में क्या फॉर्मूला लिखाया था वो नहीं आना चाहिए अब देखो भाई एक और पॉइंट एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी और इनकी डायरेक्शंस के बीच का एंगल थीटा है तो ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा अगर बच्चों थीटा 90 डिग्री हो इफ थीटा इज 90 डिग्री इफ थीटा इज 90 डिग्री मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा देन ए डॉट बी मतलब ये है बच्चों अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा व्हाट अबाउट द कन्वर्स ऑफ दिस रूल कन्वर्स का मतलब समझते हो हाँ क्या ये उल्टा ट्रू है मतलब अगर परपेंडिकुलर हैं तब तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा और अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो कैन यू कंफर्म दे आर परपेंडिकुलर No, not necessarily true. A dot B zero आ गया इससे ये प्रूव नहीं हो जाता कि वो परपेंडिकुलर ही होंगे A dot B zero तो तीन सिचुएशन में आ सकता है अगर मान लो उन दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो वेक्टर हो जाए जीरो वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड जीरो पॉइंट जहां से चले थे वहीं पर वो जीरो वेक्टर है A A वेक्टर क्या है जीरो वेक्टर A से A पर ही हो आप A से A तक हो तो जीरो वेक्टर जहां से चले थे वहीं पहुंच गए A वेक्टर जीरो वेक्टर है अच्छा तो ये अगर मान लो किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा जीरो आ जाएगा A वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो तो भी डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा B वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी जीरो तो भी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा मतलब अगर A डॉट B जीरो है अगर A डॉट B जीरो है दिस इंप्लाइज थ्री कंडीशन ईदर मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो और मैग्नीट्यूड ऑफ बी जीरो और थीटा 90 तीन बातें कंक्लूड कर सकते हो ए डॉट बी जीरो है तो तीन बातें कंक्लूड कर सकते हो इधर मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो और मैग्नीट्यूड ऑफ बी जीरो और थीटा 90 ठीक है तो अगर किसी ने कहा भाई कि प्रूव करो कि वेक्टर परपेंडिकुलर तो सबसे पहले देखो कि उनके वो वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है अगर दो वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है और उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो एक ही कंडीशन बची ना डॉट प्रोडक्ट जीरो वेक्टर नहीं है और डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो सिर्फ एक ही बात कंक्लूड कर पाओगे आप थीटा 90 डिग्री तो अगर आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो तो दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी पहले तो वो जीरो वेक्टर नहीं है और उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो तो प्रूव हो जाएगा दे आर परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो है से आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि वो आपके परपेंडिकुलर हैं डॉट प्रोडक्ट जीरो के साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि दे आर नॉन जीरो तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि दे आर परपेंडिकुलर तो बच्चों एक क्वेश्चन है आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि शो दैट द गिवन वेक्टर्स आर द गिवन ईच ऑफ द गिवन थ्री वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर अच्छा यूनिट वेक्टर प्रूफ करना तो क्या करोगे मैग्नीट्यूड निकालो अगर यूनिट वेक्टर प्रूव करना है तो उनका मैग्नीट्यूड बताओ किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर प्रूव करना है तो उसका मैग्नीट्यूड और अगर मैग्नीट्यूड जीरो मैग्नीट्यूड वन आ गया तो क्या बोलेंगे यूनिट वेक्टर पहले तीनों को यूनिट वेक्टर प्रूव कर देना उसके बाद ये भी पूछा गया है ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ए का ए बी के परपेंडिकुलर बी सी के परपेंडिकुलर और सी ए के परपेंडिकुलर ऐसे हो जाए तीनों आपस में परपेंडिकुलर ए बी के परपेंडिकुलर है बी सी के भाई तीन वेक्टर्स हो गए ना एक यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया ऐसा
तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी निकालो जीरो है, बी डॉट सी निकालो वो भी जीरो है, और सी डॉट ए निकालो वो भी जीरो, प्रूव हो जाएगा, डन है भाई यहाँ तक। ओके अब एक और रिजल्ट नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड अगर वन आ जाए तो यूनिट वेक्टर, क्या क्या पूछ रहा है मेहुल, क्या पूछ रहा है? आपस में डिस्कस कर लेते। अच्छा नेक्स्ट एक बात और बताओ, अगर मैं a डॉट a लिखूंगा तो क्या आएगा, a डॉट a क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू cos 0, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर cos 0 तो 1 हो जाएगा। ध्यान देना भाई, आपको जब कभी भी मैग्नीट्यूड आपको पता चल गया कि a डॉट a कितना होता है, a डॉट a होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, a डॉट a होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, और इस रिजल्ट को हम लोग बहुत अधिक यूज करेंगे। मतलब किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उस वेक्टर का अपने आप के साथ डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है, इट्स एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उस वेक्टर का अपने आप के साथ डॉट प्रोडक्ट इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a डॉट a, a डॉट a, डन ठीक है। अब बच्चों आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे 10.3 में, फिफ्थ तक तो हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, 6th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? हम लोगों को a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड दोनों का मैग्नीट्यूड पता करना है। गिवन क्या है, a प्लस b डॉट a माइनस बी इज इक्वल टू a। एक बात और नोट करो बच्चों, a डॉट b और b डॉट a दोनों इक्वल होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, a डॉट b और b डॉट a दोनों इक्वल होता है, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, ठीक है भाई। यहां गिवन क्या है, यहां गिवन है a प्लस b डॉट a माइनस b इज इक्वल टू a, इफ ये कंडीशन गिवन। एक और कंडीशन गिवन, वो कंडीशन क्या है, a का जो मैग्नीट्यूड है That is 8 times the magnitude of B. A का जो magnitude है, that is 8 times the magnitude of B. Done? Okay. चलो यहां से देखो भाई, distribution लो। A का dot product इन दोनों के साथ तो क्या आएगा? A dot A dot A dot A minus A dot B plus B dot A minus B dot B is equal to A. Is it okay? यहां तक ठीक है भाई? मेरी का ठीक है। अच्छा a डॉट a कितना होता है कोई बताएगा? अभी बताया था मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर होता है, और a डॉट b और b डॉट a तो सेम होता है, एक माइनस में एक प्लस में, कैंसिल होगा, बचेगा क्या, माइनस बचेगा ये b डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। एक काम करते हैं, a का मैग्नीट्यूड 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा 64 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इक्वल टू 8, कितना बचा 63 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इक्वल टू 8, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर आएगा 8 अपॉन 63, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या आ जाएगा, रूट भाई लेंथ है तो हम लोग इसको प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ b कम्स आउट टू बी √8 / √8 मैग्नीट्यूड ऑफ b आ गया √8 / 63, ठीक है अंश, तो a का b का मैग्नीट्यूड आ गया तो a का आ जाएगा 8 टाइम्स, आसान था ना, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट यूज करना था, a डॉट a क्या होता है, a डॉट a होता है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, a डॉट a क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, डन है यहां तक। ओके भाई ये सारे क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी के पहले सॉल्व करेंगे, ऑल क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी, इसके बाद मैं एक आपको वर्कशीट दूंगा जिसमें पहले तो दूंगा जो डिफरेंट बोर्ड्स के क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद मैं आपको दूंगा जेई मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा, फिर जेई एडवांस, मतलब वेक्टर्स एंड सीडी आपको परफेक्टली क्लियर, मतलब इसमें क्या है ना मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिस पर कमांड करना है आपको, किसी भी तरह का क्वेश्चन आए गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 17% वेटेज तो बोर्ड का हो जाएगा, 17% ठीक है, 13% आपका बैक वो है matrices and determinant, तो 30%, मतलब किसी को दो भी ये चैप्टर अच्छी तरह से आ जाए तो बोर्ड पे तो पास हो जाए, तो पास होना है वो,
ठीक है, अच्छे नंबर के लिए तो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, क्यों भाई मैं पास मतलब फेल जो बच्चे होते हैं इसका मतलब वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते होंगे, मैं फेल तो हो ही नहीं सकते, दो चैप्टर में पास हो जाते हैं। और एक एलपीपी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, 6% है, एक दिन में हो जाता है, इन तीन से काम चल जाता है, सेलेक्टेड पढ़ करके पास हो सकते हैं। फिर आगे अगर स्कोर बढ़ाना है पास होने लायक, पास होने लायक तो बना दूंगा मैं अभी जल्दी से इसी मंथ में, इसके बाद तो नेक्स्ट मंथ में तो फिर आगे अपना अपना परसेंटेज बढ़ता है, बढ़ाते चले जाना। देखो भाई क्वेश्चन नंबर जो 8 है, 7th तो हो जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 10.3 की बात हो रही है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 सब लोग ट्राई करो भाई। अरे देखो व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन टू, देखो भाई क्या इंफॉर्मेशन है, व्हाट प्रोडक्ट प्योर एनर्जी। हां अच्छा नहीं एक और बात है आनंद, सेम मैग्नीट्यूड है, ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, तो ये एक और चीज पता है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो एक काम करो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज गिवन, ये गिवन है ठीक है, जहां पर बी का मैग्नीट्यूड वहां भी ए का ए लिखते हैं, और क्या गिवन है, उनके बीच का जो एंगल है, उनकी डायरेक्शन के बीच का एंगल है 60 डिग्री दिया, ठीक है, और देयर स्केलर प्रोडक्ट इज हाफ, देयर स्केलर प्रोडक्ट इज हाफ, तुम्हें ऑक्सीजन तो मिलती रहती है ना जय, हाँ तुम पूरे दिन लगा के रखते हो, कौन कह रहा है, पढ़ लेते हैं यार जल्दी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 वीक के लिए ही कुछ ना कुछ होगा, वैसे तो यार होना नहीं चाहिए, बड़ा मजा आ रहा है अभी ऑफलाइन पढ़ने में, पढ़ाने में, अब तो यार बहुत साल हो गए हैं जय, अब इतना ज्यादा नहीं होगा, देखेंगे यार अभी तो पढ़ लें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि दिन दिन भर पढ़ाओ तुम लोगों को, कम से कम कुछ तो पढ़ा लूँ, फिर अगर कुछ होगा तो फिर रिवाइज कराता रहूंगा, ठीक है। एक काम करना, अगर इनकेस कुछ होता भी है ना तो तुम लोग स्क्रीन में अपना वीडियो कैमरा ऑन करके पढ़ा करो, पूछ सकते हैं यहाँ पर, कैमरा ऑन ही नहीं करती वो तो बिल्कुल, वो कुछ ऐसा कुछ सेटिंग कर देती है कैमरा, क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, लो टेस्ट दे रही होगी तब भी दिखाई नहीं देगा कुछ। अब देखो भाई A.B होता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा होता है, ए डॉट बी गिवन है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी का मैग्नीट्यूड भी तो ए के इक्वल है, और कॉस 60 तो ये आएगा 1/2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, कॉस 60 कितना है 1/2, तो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर 1 आ गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आया 1 आया, ए का मैग्नीट्यूड 1 आया तो बी का मैग्नीट्यूड भी 1, ठीक है बहुत आसान है भाई। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन पर आ जाओ भाई, 9th क्वेश्चन नंबर 9 हटा दिया जाए, क्यों कॉपी करने में जुटी हुई हो, हर जाके वो तो फिर मतलब, अच्छा मैं यहाँ पर ऑनलाइन क्यों डालता हूँ वीडियो, कुछ तो तुम वॉच टाइम पढ़ाओगी तुम मेरा, देखा ना, अच्छा ओके क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए, ए के बारे में पता है भाई ए इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब इट इज गिवन, ओके और क्या गिवन है, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12, ये भी गिवन है, इन दोनों इंफॉर्मेशन से हमें एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो देखो ऐसा नहीं कि एक्स वेक्टर माइनस ए स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करो, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज किया करो यहां, एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स माइनस ए डॉट ए इज इक्वल टू 12, एक्स डॉट ए और ए डॉट ए दोनों इक्वल होता है, एक प्लस का एक माइनस का है, ये जीरो हो जाएगा, एक्स डॉट एक्स हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 12, उधर ले जाओ भाई मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड 1 है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 13, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स क्या आ गया 13, डन आसान है ना, ये सब बोर्ड में आ गया,
दो दो नंबर। बोर्ड का पेपर तो वैसे भी बहुत आसान होता है, मैथमेटिक्स को अगर एक बार प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया ना तो बोर्ड में तो अच्छे नंबर आ सकते हैं, बहुत अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन टेंथ ट्राई करते हैं। टेंथ भाई देखो क्या है, टेंथ देखो क्वेश्चन नंबर 10 में व्हाट इज गिवन यू। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों ए बी सी तीन वेक्टर दिए गए हैं। ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर क्या है भाई, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अच्छा सी वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस j कैप। ओके अब नेक्स्ट स्टेप देखो, सच दैट ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। a plus lambda b is perpendicular to c। तो हमें lambda बताना है। अभी बच्चों देखो calculations किस तरह से करना है, यहाँ कुछ कोशिश करो, try करो। वाली भी नहीं किताब मेरी किताब में तो आंसर सही नहीं है। वेरी पॉइंट ऊपर प्रोपोर्शनल तो होते हैं इनकरेक्ट, नेट तो जो है जनरली क्या देता है, बहुत से लोग जो अपने आंसर्स डालते रहते हैं वो देते हैं, हम कोई ऑथेंटिक बुक जहाँ से ये लोग जनरली एनसीईआरटी भी कॉपी किया है ना कई कई रिसोर्सेज से, तो जो ओरिजिनल बुक्स होती हैं उसमें क्वेश्चन फ्रेम होता है, हमारा अपना कॉन्सेप्ट पहले फ्रेम किया जाता है उसके बाद फिर हम लोग उसको कंक्लूड करते हैं, क्वेश्चन तो बनते रहते हैं। अच्छा चलो भाई, ये इसका आंसर आया कि नहीं आया, नहीं आया क्यों भाई, देखो ए प्लस लैम्डा बी सी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ मेहुल, ए प्लस लैम्डा बी डॉट सी इक्वल टू जीरो, a plus lambda b dot c is equal to 0, lambda 8 आया था।
अब देखते हैं यहां से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ए डॉट सी प्लस लैम्डा बी डॉट सी इक्वल टू जीरो, ये भी ठीक है। और यहां से देखो लैम्डा बी डॉट सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए डॉट सी, तो लैम्डा कम्स आउट टू बी माइनस ए डॉट सी अपॉन बी डॉट सी। अब कैलकुलेशन करो, मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं, ये फार्मूला लिख के नीचे अलग तरीके से बात एक ही है, आएगा तो यही लैम्डा कम्स आउट टू बी माइनस ए डॉट सी अपॉन बी डॉट सी। अब एक आएगा ए डॉट सी कितना आएगा भाई, चेक कर लेते हैं, ए डॉट सी ए माइनस ए डॉट सी आएगा बच्चों, आई कैप और आई कैप के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस जे कैप और जे कैप तो जीरो अपॉन बी डॉट सी कितना आएगा, बी डॉट सी माइनस थ्री और प्लस टू, तो आएगा माइनस एट अपॉन माइनस वन, हाँ एट आएगा भाई। तो मैंने तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी की वैल्यू निकाली, हाँ सी वेक्टर दिया हुआ था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो वहां से भी आएगा। हमने यहाँ क्या किया, डायरेक्ट पहले ये रूल अप्लाई करके लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, फिर ए डॉट सी निकाला और बी डॉट सी निकाला, आपको ज्यादा करना पड़ेगा था, यहाँ मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे ए डॉट सी निकालना पड़ा, बी डॉट सी और वैल्यू रखी। यहाँ से शुरू करते ए प्लस लैम्डा बी परपेंडिकुलर टू सी है, तो ए प्लस लैम्डा बी और सी का डॉट प्रोडक्ट जीरो, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बाद ये फार्मूला बना लो और उसके बाद फार्मूला में वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है राधे भाई, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग 10.3 पर है ना, हाँ अब 10.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब बच्चों आप लोग डायरेक्ट आ जाओ 13th क्वेश्चन, 13 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए क्वेश्चन 13, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन, पढ़ो भाई इसको कैसे करोगे। थर्टीन का आंसर जल्दी से बताओ भाई, हाँ भाई हो गया क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में क्या था, क्वेश्चन 13 में क्या था, क्वेश्चन 13 में बच्चों एबीसी आर यूनिट वेक्टर्स इट इज गिवन, एबीसी आर यूनिट वेक्टर्स मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज गिवन एज वन, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज आल्सो गिवन एज वन, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज गिवन एज वन, ए का मैग्नीट्यूड वन है, बी का मैग्नीट्यूड वन है, सी का मैग्नीट्यूड वन, ठीक बात है भाई। अच्छा नेक्स्ट, अब आपको ये दिया है कि a प्लस बी प्लस सी इज आल्सो जीरो वेक्टर, a प्लस बी प्लस सी क्या है, जीरो वेक्टर, इट इज आल्सो गिवन। अच्छा हमें फिर कुछ पता करना है, a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट, एक बार बताओ a प्लस b प्लस c इज अ जीरो वेक्टर, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर ऑफ जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो,
मतलब ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है, ये गिवन है आपको, स्क्वायर भी जीरो होगा, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी जीरो होगा, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी तो जीरो होगा, ठीक बात है। एक बात मैंने अभी आपको बताया था, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उस वेक्टर का अपने आप के साथ डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है, ठीक बात है भाई। यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं, हम आगे जाते हैं, अभी आपको पता चल गया, अभी आपको पता चल गया a प्लस बी प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जीरो। दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। a प्लस बी प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, उस वेक्टर का अपने आप के साथ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो, ठीक बात है। यहां से देखो, a डॉट a प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए का डिस्टिंक्ट ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी, प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो। डन डिस्ट्रीब्यूशन को a डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ऐसे b डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट, ये ठीक है। ये बताओ a डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर होता है, b डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, c डॉट ए c क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर, प्लस a डॉट b और b डॉट a तो दोनों इक्वल होता है ना, तो ट्वाइस ऑफ a डॉट b लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। अच्छा, सिमिलरली बी डॉट सी और सी डॉट बी तो दोनों एक ही चीज है ना, तो मैं ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी लिख देता हूं, और सी डॉट ए और ए डॉट सी दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए। रितिक क्या नहीं समझ आएगा, अब ये देखो वन दिया, ये वन दिया, वन मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो वन दिया है ना, ये भी वन, तो वन बाई टू आएगा, माइनस थ्री बाई टू को उधर ले जाऊंगा। तो आपको जो पता करना था a डॉट ट्वाइस ऑफ, देखो ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a कम्स आउट टू बी माइनस थ्री, तो ये क्या गया a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इज इक्वल टू माइनस थ्री। ये भी बोर्ड में आ चुका है, फोर मार्क्स में आ गए। हाँ पीछे आते देखो, यहां तक ठीक है। ये बेटा यहां पर देखो a प्लस बी प्लस सी एक जीरो वेक्टर दिया, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जीरो, तो a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड जीरो, तो a प्लस बी प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी जीरो। ये एक वेक्टर है, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उस वेक्टर का अपने आप के साथ डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू होता है, तो दिस का इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इसका अपने आप के साथ डॉट प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई किया, a डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी सबका कर दिया ये, इसके बाद a डॉट ए को क्या लिखा मैं हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, b डॉट बी जहां था मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, c डॉट सी था मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर, और बचा क्या a डॉट b बचा, और प्लस b डॉट a भी है, दोनों इक्वल होते हैं, तो ट्वाइस ऑफ a डॉट b लिख दिया, a डॉट c है और c डॉट a भी है, तो ट्वाइस ऑफ c डॉट a लिख दिया, ऐसे ही टू टाइम्स b डॉट c हो गया, ये 1 1 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस थ्री होगा राइट साइड में लेगा माइनस थ्री, ट्वाइस ऑफ दिस, तो ये टू को उधर ले जाओगे तो a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a क्या हो गया माइनस थ्री बाई टू, ठीक बात है भाई। इस तरह से प्रोडक्ट बता दिया मैंने, अब उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, क्या था यार तुम्हारी बुक में, क्या था a और b क्या थे वेक्टर्स, कोलिनियर। अरे कुछ क्वेश्चन को हम कंक्लूड कर लेते हैं ना, नहीं a और b कोलिनियर वेक्टर्स थे ना, पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, उसमें मैं आपको करता हूं बता दे किस तरह से आप कंक्लूड करोगे। a और b अगर कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो कोलिनियर वेक्टर्स में देखो तीन बातें कंक्लूड करेंगे हम लोग। a वेक्टर देखो कोलिनियर वेक्टर्स में क्या होता है, a वेक्टर कैन बी रिटन एज स्केलर टाइम्स अदर, ये मेन है, ध्यान से समझना बच्चों। अगर दो वेक्टर्स हमारे कोलिनियर हैं तो क्या होगा,
ए वेक्टर कैन बी रिटन एज स्केलर टाइम द अदर वेक्टर, ये मेन है। अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, लैम्डा अगर नेगेटिव है तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। लैम्डा अगर वन है तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा, लैम्डा अगर टू है, अगर लैम्डा टू लेते हो मतलब ये हो गया कि ए का जो मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का टू टाइम्स है। टू टाइम्स का मतलब क्या समझ गए, अगर मान लो आपका जो है एक वेक्टर है ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एक वेक्टर बी है हमारा टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप, तो यहां पर क्या हुआ इनके जो अगर ये कंडीशन है हमारी मेन, अब यहां पर अगर ये वेक्टर हमारे कोलिनियर है तो क्या हुआ वन अपॉन टू इक्वल टू वन अपॉन टू इक्वल टू वन अपॉन टू, मतलब ये जो हमारे कंपोनेंट्स हैं दे आर प्रोपोर्शनल, कंपोनेंट्स क्या है प्रोपोर्शनल है, ठीक बात है भाई। तो कितनी चीजें कंक्लूड कर दिया हमने, हमने कंक्लूड कर दिया दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर है तो उनके मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, कोफिशिएंट्स कोलिनियर कोफिशिएंट्स हमारे प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं। इतनी बातें हमारी ट्रू हैं, इतनी बातें क्या है ट्रू हैं। अब बताओ उसमें पहला ऑप्शन क्या दिया था, हम वन बाई वन ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया था ट्रू है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, बिल्कुल ठीक है, लैम्डा हमारा प्लस वन भी हो सकता है माइनस वन, इट इज आल्सो ट्रू। प्रोपोर्शनल होते हैं ये डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स प्रोपोर्शनल होते हैं सर, डायरेक्शन सेम है पर मैग्नीट्यूड्स अलग है, बी वाला ऑप्शन भी होगा। डायरेक्शन सेम जरूरी नहीं है, टैन हाफ तो नहीं लिखा है ना इन्होंने। अगर अगर देखो इसमें मतलब यह है कि अगर आप ये कोई कंफर्म करे, अगर सिर्फ ये स्टेटमेंट दे कि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा डायरेक्शन अपोजिट होगी, मतलब उन्होंने ये लैंग्वेज जो लिखी है ना ये अथॉरिटेटिव टाइप की लिखी है कि भाई यही होगा, तो ये जरूरी नहीं होता भाई। इन्होंने क्या लिखा है बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन, ये बट सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, मतलब ये अगर कोई कहता है कंफर्म है ये यही चीज सही है तो ये गलत है। आप समझ रहे हो ना आप बात, मतलब ये जो है कि सेम मैग्नीट्यूड नहीं, एक चीज होती है कि यही होता है। अगर आपने कह दिया कि सिर्फ यही कंडीशन टू है तो हम गलत मानेंगे ना भाई, ये कंफर्म नहीं है कि आपने कहा कि दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के भी हो सकते हैं, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के भी हो सकते हैं, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं और आपका क्या होगा डिफरेंट मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन ये होगा, मतलब सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड और डिफरेंट डायरेक्शन होना कंपलसरी नहीं। तो ये स्टेटमेंट अगर मैं कहूंगा तो मेरा डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। डी स्टेटमेंट मतलब अगर कैन हैव लिखा होता कैन हैव तो ठीक है, अदरवाइज ये आपका गलत है। बोथ बी एनसीईआरटी से मैच करता नहीं, एनसीईआरटी का तो गलत आंसर है, सी सी होगा, हाँ सी 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 भी गलत है। अगर अगर उन्होंने कहा है कि क्या लिखा हुआ अगर वहां पर प्रोपोर्शनल दिया हुआ है तो भी गलत है, नॉट प्रोपोर्शनल दिया है तो गलत है, प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। तो वो हमें अपना कंक्लूड करना है उसके अकॉर्डिंग, वैसे दो ऑप्शन वाला तो देते नहीं है मल्टीपल चॉइस, इसमें तो नहीं भी होना चाहिए। आपको क्लैरिटी हो गई ना, ये कंडीशन है मतलब उनमें आपका a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b, लैम्डा की वैल्यू 1 भी हो सकती है माइनस 1 भी हो सकती है, सेम डायरेक्शन भी हो सकती है अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है, सारी पॉसिबिलिटी होती है कोलिनियर के, ठीक है बच्चों। आपको क्या करना है ये पूरी एक्सरसाइज करके आनी है, 10.3 करके आना है, ठीक है। हाँ कल तक नहीं।